इस बार के चीनी मिलों को दी गई चेतावनी के बावजूद देश में चीनी की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। हफ्ते के भीतर ही चीनी की कीमतों में 200 रुपए प्रति क्विंटल तक की बढ़ोतरी आ चुकी है। रिटेल बाजार में तेजी के साथ साथ मुंबई में भी चीनी का थोक भाव 4000 रुपए प्रति क्विंटल को पार कर चुका है। इज्मा ने इस साल के चीनी उत्पादन में कमी को देखते हुए सभी चीनी मिलों को चेतावनी देते हुए कहा था कि सभी चीनी मिलें सट्टेबाजी से दूर रहें या सरकारी कार्यवाही से निपटने को तैयार रहें। इसके बावजूद भी चीनी की कीमतों में तेजी बनी हुई है। बात अगर पिछले साल के उत्पादन की करें तो पिछले साल करीब 251 लाख टन चीनी हुई थी। वहीं अगर बात मौजूदा चीनी साल 2016-17 की करें तो 31 जनवरी तक 128.55 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ है, जबकि पिछले साल इस दौरान देश में करीब 142.80 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ था। मौजूदा हालात देखते हुए इज्मा ने इस साल देश में चीनी का उत्पादन घटकर सिर्फ 213 लाख टन होने का अनुमान लगाया है।